गतम च सम संजक्तम भेषाकंद, भैया अपने शुद्ध वीतराग में स्वभाव से संयुक्त होके स्व समय में तत्व का अनुभव करते हुए व्रत नियम आदि का विशुद्ध भाव से पालन करना। ओंकार यमकार श्यमकार में शुद्ध वीतराग स्वभाव के ध्यान में आरण होके अपने ध्रुव पद की साधना करना ही वैसा है। मेरे पदार्थ अंग भैया जिन भगवान ने जो पद करे उनमें शुद्ध वीतराग का है उसकी अपने हृदय से विनय करना, ज्ञान से विज्ञान में वीतराग तत्व को जोड़ना, रत्नत्रय में शुद्ध वीतराग तत्व की साधना करना और जिन भगवान के उपदेश को ही अपने अंतर में ग्रहण करना, साधना उनके वचनों की विनय करना ही विनय प्रणाम है। समय हम भैया संपूर्ण जो अपना आत्मा का स्वभाव है, आत्मा परिपूर्ण ध्रुव चैतन्य शक्ति है, ऐसे ती अर्थ में अपने ऊर्ध पद सिद्ध स्वभाव को जो पंच दिप्ति में है ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव को अपने ज्ञान में साधना, ज्ञान चरण दर्शन अपने ज्ञान में वीतराग तत्व का आचरण करते हुए स्व में स्थिर होना, वीतराग स्वभाव को देखना, ये समय अंग है। अनंत अनंत अंग दृष्टम च, अनंत अनंत स्वभाव को देखना ही अनंत अनंत अंग है। अनंत चतुष्टय में आत्मा का स्वभाव आदि अनादि से शुद्ध है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व को देखना ही अनंत अनंत अंग है। आज सुबह अपनी वांछा चली थी नंद रंग अंग, आत्मा ज्ञान का सरोवर है, अनंत ज्ञान का अथाह सिंधु है यह आत्मा, इसमें अनंत रंग बिरंगी तरंगों के रूप में तरल तरंगों के रूप में अनंत पर्याय अपने वेग से उठ रही है और इसी में समा रही है। ऐसे अनंत रंग तरंग अनंत पर्यायों में झलकने वाला ये ज्ञान की अनंत पर्याय में झलकने वाला ये आत्मा भैया, ये शुद्ध जिन मुक्त साधयम जिनेन्द्र परमात्मा ने जो वचन कहे हैं उनको साधना, शुद्ध तत्व में जो अपना वीतराग ध्रुव पद है फिर उसकी आराधना करना, मोहन स्वभाव का आश्रय लेके निर्मल ध्रुव केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेना, यही नंद तरंग अंग है। सुबह एक और अपने प्रसन्न अंग गुरुदेव कह रहे परम समयांग शुद्धम च, अपना यह आत्मा श्रेष्ठ समय अंग आत्मा का ही अंग है, स्पष्ट कहा आचार्य तारकनाथ स्वामी ने, परम अर्थात श्रेष्ठ समयांग अर्थात समय का अंग क्या है, शुद्ध आत्मा, शुद्ध स्वभाव, ये अंतर आत्मा स्वयं श्रेष्ठ समय में है, परम तत्व च साध्यम, ऐसे परम तत्व को साधना ही ये प्रथम अंग है। जैसा तत्व काय पदार्थम च तत्वों में पंच अस्थिकाय में पदार्थों में द्रव्यों में शुद्धम समभ्रमम, एक शुद्ध वीतराग का अपना शाश्वत स्वभाव ही जयवंत है, शुद्ध द्रव ही जयवंत है, वही अपना मूल स्वभाव है। इसलिए भैया इन तत्व पदार्थ पंचस्थिकाय और द्रव्य में अपना शुद्ध द्रव वीतराग तत्व ही श्रेष्ठ है, ऐसे परम तत्व को साधना ही प्रसम अंग है जो आत्मा का स्व स्वभाव है। ऐसे कितने अंग हुए अपने, अब अंतिम अंग। अच्छा तांत्रिक देव कह रहे हैं अंतिम अंग स्वतम च शुद्ध साधन च अर्थात ऊर्ध युक्तम ऊर्ध आर्ध मध्यम च त्रिगुणम भिन्न सच, यहां शुद्ध समय अंग को किया जाना चाहिए, शुद्ध समय अंग ग्रंथ नंबर 57 में 11वें अंग को आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शतम च शुद्ध साध क्या है, शुद्ध समय अंग शतम च शुद्ध साधन च,
सुतम च। सुत क्या है? सुत क्या है? शुद्ध साधन च। स्वति बनी रहे। शुद्ध क्या है? सुतम च शुद्ध साधन च। सुतम च शुद्ध साधन च। शुद्ध तत्व जो स्वभाव है इसको साधना ही सुतम शुद्ध है। शुद्ध क्या है? जिनवाणी क्या है? कहना जिनवाणी है, सुनना जिनवाणी है, बोलना जिनवाणी है, कुछ भी जिनवाणी है। शुद्ध समय अंग की बात चल रही है ना, तो शुद्ध समय अंग आत्मा का शुद्ध ज्ञान में अभिन्न स्वभाव है। आत्मा का शुद्ध ज्ञान में आत्मा कहा जाता है। तो आचार्य मोहम्मद कह रहे हैं शुद्धम च शुद्ध साधन च। शुद्ध समय अंग क्या है? अपने शुद्ध स्वभाव को साधना ही शुद्ध है। जिनवाणी क्या है? पढ़ना, पूजा पढ़ना, भक्ति पढ़ना, शास्त्रों का पाठ कर लेना, पठन कर लेना, समझ लेना, समझा देना, लेकिन ये जिनवाणी का स्वरूप नहीं, ये शुद्ध का स्वरूप नहीं है, ये केवली भगवान की वाणी का स्वरूप नहीं है। तो भगवान जब सुनना, समझना, पाठ करना, पढ़ना, पढ़ाना, जब ये जिनवाणी नहीं है तो फिर जिनवाणी क्या है? चलो भैया जिनवाणी तो है, क्या क्या है? शुद्धम। शुद्ध क्या है? शुद्ध समय अंग। शुद्ध क्या है? च शुद्ध साधन च। शुद्ध वह है जहां शुद्ध तत्व की साधना। भैया गुरु महाराज ने शुद्ध को शुद्ध तत्व की साधना से क्यों जोड़ दिया? यदि कोई जिनवाणी सुने और शुद्ध तत्व की साधना ना करे तो क्या जिनवाणी नहीं है? क्या नहीं? क्या यदि कोई पाठ करे, पूजा करे, भक्ति करे, शास्त्र पढ़े तो क्या उसकी जिनवाणी, क्या उसे जिनवाणी नहीं कहेंगे? भैया नहीं कहेंगे, उसे शुद्ध नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शुद्ध का स्व लक्षण है। क्या शुद्ध का स्व लक्षण है? चेतन में कि शुद्ध अजीवंत नहीं है, जड़त नहीं है, शुद्ध आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान है। ज्ञान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की कुछ पर्याय सभी द्रव्यों के साथ परिणत होती है। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसके साथ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के पर्याय परिणमित ना होता। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को जानता है, प्रत्येक द्रव्य के साथ मति और शुद्ध ज्ञान के पर्याय परिणमित होती है। इसलिए जब मति शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्य को जानता है तो आत्मा को भी जानता है। तो आत्मा भी एक द्रव्य है, आत्मा स्वयं शुद्ध द्रव्य है। भैया जैसे मति शुद्ध ज्ञान समस्त द्रव्यों को जानता है और आत्मा को भी जानता है, तो ये शुद्ध जो है, जिन्हें भगवान की वाणी जो है, ये शुद्ध उस आत्मा का ही स्वरूप है। ये आत्मा का ही अनंत विस्तार है, ये आत्मज्ञान का ही अनंत विस्तार है। इसलिए आचार्य जी तारण स्वामी जी यहां स्पष्ट कहते हैं, सब समय अंग में स्पष्ट कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि शुद्ध क्या है? शुद्धम। शुद्ध क्या है? च शुद्ध साधन च। यदि आपके अंतर में शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा जो आपका शुद्ध स्वभाव है, यदि वो सद रहा है, दर्शन ज्ञान चरित्र में यदि समय श्रद्धा ज्ञान चरित्र में यदि आपका आचरण सद रहा है, तो शुद्ध का स्वरूप आत्मज्ञान से है। शुद्ध का स्वरूप आत्म अनुभव से है। शुद्ध का स्वरूप आत्म तत्व की प्रतीति से है। शुद्ध का स्वरूप आत्म तत्व के आनंद से है। शुद्धम क्या है? शुद्ध किसे कहोगे आप? शुद्ध है अपने शुद्ध तत्व को साधना। आपके अंतर हृदय में शुद्ध विकराग तत्व की श्रद्धा है तो आपके उपयोग में शुद्ध जिनवाणी का जिनवाणी का उदय। शुद्ध ज्ञान का उदय मतलब जिनवाणी का उदय।
अपन ये चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि भाव श्रुति जन्माणि, जिस समय जन्माणि सुन के भाव अनुभव में प्रकट हो जाए, साधन बन जाए मुक्ति का, जिस समय ये जन्माणि सुनते सुनते शुद्ध सातत्य अंतर आत्मा की साधना बन जाए, भाव अनुभव का अंतर अनुभव का आत्म अनुभव का केंद्र बन जाए, तो भाई शुद्ध है। और यदि आत्म अनुभव का केंद्र ना बने, यदि इस जन्माणि को सुन के भी यदि आत्म ज्ञान ना हो, आत्मा की सूरत ना दिखाई दे, अपना तत्व पहचानने में ना आए, तो भाई जन्माणि क्या है? ज्ञान स्वरूप। और यदि उसे सुन के आत्मज्ञानी ना हो, तो फिर जन्माणि कैसे हो सकती है? जिनकी वाणी है वो केवल ज्ञानी है, और जो इसको ग्रहण करने वाला है वो होने वाला केवल ज्ञानी। लक्षण है कैसे है? जन्माणि क्या है? केवली भगवंत की वाणी, और जो इसको ग्रहण करने वाला है वो होने वाला केवली है। अब केवली की वाणी होने वाले केवली को मिल रही है, इन दो के अलावा केवली की वाणी का सम्मान होने वाले केवली के अलावा और किसी से नहीं, क्योंकि जो केवली है वो ज्ञानी है, और जो वाणी को श्रवण करने वाला है वो ज्ञानी है, जो वाणी का अनुभव करने वाला है वो ज्ञानी है, इन दो के अलावा जिन वाणी किसी और की। सीधी बात, जहां से उदय हुई वहीं जाके पूर्ण हो जाएगी, जहां से उदय हुई वैसे ही उदय कराएगी, तो केवल ज्ञान साधित हुई है, तो जिस चित्त में जाएगी, जिस शुद्ध ज्ञान में जाएगी, वह केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव कराएगी, वो पूर्णता से प्रकट हुई है, वो पूर्णता का ही वेदन कराने वाली है, वो पूर्ण प्रकाश से प्रकट हुई है, वो पूर्ण प्रकाश का ही अनुभव कराने वाली है, इसलिए जन्माणि आत्मा का स्वभाव। इसलिए आचार्य तारण स्वामी बिल्कुल निष्पक्ष होकर कहते हैं, शतम क्या है शुद्ध, यानी शतम चा शुद्ध साधन, जो अपना शुद्ध ज्ञान में वितराग करते हैं, अपना भाव अनुभव मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इसे शुद्ध तत्व की साधना ही शुद्ध है। यदि आप आत्म तत्व की साधना करते हो और जन्माणि का एक अक्षर भी नहीं जानते, तो आप संपूर्ण शुद्ध के स्वामी हो, और यदि आप 11 अंग और 9 पूर के पाठी हो, लेकिन भाव वासना आत्मा की नहीं करते, तो आपके पास जन्माणि नहीं है। दो ज्ञान तो अपने पास है, वही शुद्ध जिन वाणी के माध्यम से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता, यही साधन, इसकी साधना ही शुद्ध समय है। यह 11वां है, मन उर्मा जो कहते हैं अर्थांग ऊर्ध शुद्धम, अर्थांग ऊर्ध युक्तम। शुरुआत कहां से करेंगे? अर्थांग साधना था है, प्रयोजन से शुरुआत करी थी, पूर्णता कहां पर कर रहा है थे होंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। गुरु माया ने कहा है शुद्धम च शुद्ध साधन च, इस शुद्ध आत्मा का स्वभाव है, तो शुद्ध आत्म स्वभाव को साधना ही शुद्ध है। अब ये 11 अंगों की पूर्णता, 11वां अंग है, कौन सा अंग है ये? 11वां। नाम क्या है? शुद्ध समय। अब अच्छा वो क्या कह रहा है कि शुद्धम च शुद्ध साधन च, अपने शुद्ध वितराग तत्व को साधना ही शुद्ध है, लेकिन तुरंत क्या कह रहा है? अर्थांग पूर्ण शुद्धता, वो जो अर्थांग से अपने प्रारंभ किया था, क्या अर्थांग अर्थात अपना प्रयोजन भूत स्वभाव, कहले वो जो अपना प्रयोजन भूत वितराग स्वभाव है ऊर्ध युक्तम, वो ही ऊर्ध स्वभाव से युक्त है, मही से प्रारंभ था और मही अंत है, वहीं से इन 11 अंगों की प्रारंभिकता करी थी, वहीं से इन 11 अंगों का कथन कर रहा था, और वहीं पे इन 11 अंगों की पूर्णता कर रहे हैं, यानी जो वितराग में प्रयोजन स्वभाव है ना, वो ऊर्ध्वयुक्तम
ऊर्ध है उससे युक्त होना, उससे जुड़ना, उस वितराग में अर्थ प्रयोजन भूत शक्ति से जुड़ना, ऊर्ध स्वभाव प्रयोजन भूत ऊर्ध स्वभाव अर्थांग ये प्रयोजन भूत जो स्वभाव है ना ये आत्मा का अंग है। कौन सा प्रयोजन भूत स्वभाव? ऊर्ध्वगामी अपना वितराग स्वभाव जुक्तम। इस प्रयोजन भूत ऊर्ध स्वभाव से जुड़ना बस यही शुद्ध समय अंग है। गर्मज कैसा शुद्ध समय अंग है? चले अरे भव्य आत्मा ऊर्ध आर्ध मध्यम च ऊर्ध लोक में, आर्ध अधोलोक में और मध्य लोक में। क्या है गुरु महाराज तीन लोक में? चले ऊर्ध आर्ध मध्यम च इन तीनों त्रिभुवन इन तीनों भुवन में बिंद संयुक्तम एक बात अपना निर्विकल पद ही साथ में योग है। यही ग्यारह अंगों का सार, पूरे चौदह ब्रह्मांड में ऊर्ध आर्ध मध्य तीनों लोकों में त्रिभुवन तीनों भुवन में एकमात्र बिंद निर्विकल आत्मा संयुक्तम उस निर्विकल आत्म अनुभव से संयुक्त होना ही एक सार है और बाकी सारा जगत असार है। अपना ऊर्ध स्वभाव है इससे जुड़ो।
ऊर्ध्वगामी ओंकार में जो अपना वितराग स्वभाव है अर्थांग यही प्रयोजन रूप है। हे भव्य आत्मा यानी अपना आत्म है चाहता है जुक्तम इस ऊर्ध्व स्वभाव से युक्त रहे। ये ऊर्ध्व स्वभाव ही अपना ममल स्वभाव है, ये ऊर्ध्व चेतना ही अपना वितराग परम फल है। हे भव्य आत्मा जुड़ना है इस ऊर्ध्व शक्ति से जुड़ जो केवल ज्ञान में अपने पूर्ण सत्य का प्रकाश करने वाला। कहां तो कर्म फल चेतना से जुड़ता है, कर्म फल चेतना तो कर्मों के फल का भोग है, नहीं तो कर्म फल चेतना का भोग करेगा अनंत काल का संसार में सुखी दुखी होता है, नहीं तो कर्म फल चेतना में उलझा रहेगा, कर्म फल चेतना में तेरा उपयोग संलग्न रहेगा तो तू सुखी दुखी होता रहेगा, हीनदीन होता रहेगा, पराधीन होता रहेगा। कहां तो इस कर्म फल चेतना में जुड़ के कहां अधोगमन करने की तैयारी कर रहा है चेतन आत्मा, तेरा अर्थ अंग तेरा प्रयोजन तो अर्थ अर्थात प्रयोजन अंग मतलब आत्मा का अंग गुरु मत स्पष्ट कह रहा है अर्थांग तेरा प्रयोजन तो ऊर्ध्व जुक्तम तेरा अंग तो ऊर्ध्व स्वभाव है, वितराग शक्ति है। हे भव्य आत्मा इसे अपने ऊर्ध्व स्वभाव से संयुक्त हो जुक्त जुड़ो उससे, संसार से मत जुड़ अपने कर्मों से रहे हल्के ऊर्ध्व स्वभाव से जुड़ क्यों जुड़े गुरु महाराज। हे भव्य आत्मा ऊर्ध्व आर्थ मध्यम च ऊर्ध्व लोक में अधोलोक में मध्य लोक में त्रिभुवनम इन तीनों भुवन में मन बुद्धि चित्त अहम के बीच में भी क्या बिंद सचित्तम ये निर्विकल तथ्य संयुक्त होने योग्य है। इस निर्विकल वितराग शक्ति के अलावा और कोई भी अनुभव करने योग्य नहीं है। ये सत समय अंग भगवान पूरे आवरण का सार पूरी जिनवाणी का सार है निर्विकल तथ्य की अनुभूति। इसे गुरु ने 11 अंगों में निकाल के दिया कि जीव की दृष्टि एक प्रयोजन भूत तत्व पर जाकर टिक जाए, जीव की दृष्टि एकमात्र ऊर्ध्व स्वभाव से जुड़ने के लिए तैयार हो जाए, जीव का अंतर हृदय युक्त ऊर्ध्व युक्तम अपना प्रयोजन बोध जो ऊर्ध्व स्वभाव है उससे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। जीव कहीं भी हो ऊर्ध्व लोक मध्य लोक अधोलोक में ना जीव को स्वर्ग साधने योग है, ना मध्य लोक में प्राप्त होने वाली है चक्रवर्ती जैसी प्रयास साधने योग है, ना अधोलोक में रहने योग्य ज्योतिष देव वेंकट देव नारकी निगोदिया ये साधने योग्य, ये सब प्रयास असाध्य है, जीव के लिए प्रयोजन भूत नहीं है, ये संसार ही है। तो इन ऊर्ध आद मध्य इन तीनों लोकों में त्रिभुवनम इन तीनों भुवन में एक सार है भैया, उसे आचार्य दातारण देव ने कहा विंद संजिक्तम अपने निर्विकल अनुभव में संयुक्त होना बस ये सार है भगवान। यदि साधना चाहता है तो सतम च शुद्ध साधम च इस अपने शुद्ध तत्व की साधना को ही शुद्ध जान, इसके अलावा सब सुनना जानना कहना बोलना बताना सब मायाचारी है, एकमात्र इस अनुभव में रत होना ही जिंदगी है। प्रयोजन सद जाए आत्मदृष्टि में प्रयोजन सद जाए दृष्टि ऊर्ध्व स्वभाव से जुड़ जाए और विकारी कर्म फल चेतना से अपना संबंध विच्छेद कर दे, कर्म फल चेतना का भोग बंद कर दे, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो उसे सिर्फ एक भोग हो समता में भिन्न संजुक्तम आत्म आनंद में अपने निर्विकल पद में इन तीनों लोगों में एक ऊर्ध्व स्वभाव ही अपनी दृष्टि में दिखाई दे तो समझ यही शुद्ध समय अंक है। शुद्ध से संयुक्त आत्मा का अनुभव भैया मान जाओ ना शुद्ध ज्ञान में आत्मा है जो स्वयं 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 ऊर्ध्वगमन करने वाला स्वभाव से अर्थ स्वरूप है प्रयोजन भूत है आत्मा के लिए ग्रहण करने योग्य है युक्तम ऊर्ध्व स्वभाव से युक्त होना ही आत्मा के लिए हितकारी है। सम्यक ज्ञान यही कहता है यह जीव अधोगामी नीच परिणामों से असत परिणामों से अपनी दृष्टि पलट और ऊर्ध्वगामी भीतराग जो शुद्ध स्वभाव है उन परिणामों में अपनी दृष्टि एकत्र कर
जायक भाव तेरा ओद पढ़ना, कर्ता भाव तेरा अधो भाव, ज्ञाता भाव में यदि अपनी दृष्टि संयुक्त करेगा तो इस संसार के चक्रव्यूह से छूट जाएगा, और यदि कर्ता भाव से अपनी दृष्टि संयुक्त करेगा तो यह आत्मपतन करता होता गति की ओर चल जाएगा। भगवान तारण स्वामी जैसे मसीहा कहा मिलेंगे, ऊर्ध आर मध्यम च तीनों भुवन में एक बिंद संयुक्तम, अपनी भिन्न शक्ति से संयुक्त होना ही सत समय अंग है। पूरा जिनवाणी तेरा समय सार में आत्म का अनुभव ही है। कौन बताएगा भगवान? पूरी जिनवाणी अपने निर्विकल स्वभाव का अनुभव प्राप्त करना ही जिनवाणी है, ग्यारह अंग है। कौन बताएगा भगवान? अच्छा है भगवान बता रहे। अब भी यदि अपनी रुचि सुनने सुनाने की लगी रहा है, छायोसन को बटोरने की लगी रहा है, तो भी अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और यदि ऐसी दीर्घ ध्वनि सुन के भी यदि अपनी रुचि अपने आत्म अनुभव करने की न लगे, अपने चैतन्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप का अनुभव करने की न लगे, तो अपने अपने से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। पर इस मूर्खता का परिणाम बहुत गहरी निगोद की यात्रा है। संसार की सारी मूर्ताएं सारे पाप नरकों तक ले जाते हैं, लेकिन अपने आत्मा पर पर्दा मिथ्या की ओर गमन तुले इतने गोद में लेके जाता है। इसलिए आत्मा तो संसार में सबसे लड़ ले, सारी पर्याय से लड़ ले, जिससे जितना झगड़ा करना हो उससे उतना झगड़ ले, लेकिन भगवान आत्मा अपने आत्म स्वभाव से मत लड़। सर्वज्ञ की वाणी का विरोध मत कर, सर्वज्ञ के वचनों को विस्मरण मत कर। अरे भव्य आत्मा, तुम सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार कर, इस आत्म समय को श्रुत को अपनी अंतर आत्मा का अभिन्न अंग मान, आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो। हे भव्य आत्मा, अर्थ रूप प्रयोजन भूत तेरा आत्मा का अंग ये ऊर्ध स्वभाव है जो किसी विकारी परिणाम से नहीं जुड़ता। तू इस ऊर्ध स्वभाव से जुड़ जा, तो ऐसे ऊर्ध्वगामी आत्म स्वभाव से जुड़ेगा तो ऊर्ध आर्ध मध्य तीनों भुवन में ये ऊर्ध्वगामी स्वभाव यही अपना निर्विकल्प पद है। इस निर्विकल्प पद के अनुभव से संयुक्त हो जा, यही शुद्ध समय अंग है। ग्यारह अंग का सार, जो इस सार को जानते हैं वो इस असार संसार का परित्याग करते हैं, बिना छोड़े छूट जाता है, वो प्राप्ति और अप्राप्ति के भय से मुक्त हो जाते हैं, वो खोने और पाने के डर से छूट जाते हैं। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, ये सारे सारे भाव मिला जाते हैं, सारी कामनाएं मिला जाती हैं, सारे पाप मिला जाते हैं, सारे भय मिला जाते हैं, और उसे बोध होता है कि वो परिपूर्ण ज्ञान में पूर्ण स्वभाव मेरा अपना सत में ससमय पर होता है। इस अभिन्नता का मिलन होता है, और जब आत्मा इसे अभिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता है तो ये सारा संसार विलय को प्राप्त होता है। भगवान आत्मा गुरुदेव बता रहे हैं, आज 11 अंक पूरे हो गए, कल से 14 मूल की वाचना प्रारंभ हो जाएगी। और यदि आत्मा के अंगों को नहीं जाना तो पूर्व से ही जो अनंत आचार्य जो महावीर के पूर्व से भी जो अनंत जिनेन्द्रों ने कहा है, अनंत इसके पहले के 23 दिगंबरों ने कहा है, उनकी वाणी कहां से ग्रहण कर पाओगे भगवान? इन अंगों की रचना तो महावीर भगवान के शासन काल के बाद हुई थी, लेकिन पूर्वों की रचना तो पारसनाथ परमात्मा के समय की है, उससे भी पहले के तीर्थंकरों के समय की। पूर्ण तो और अपूर्व है, इनसे भी अनंत बृहद और विशाल है, अंगों से भी अनंत बृहद और विशाल है पूर्व। भगवान आत्मा सुन तो लो, हे भगवान आत्मा गुरुदेव की बात तो सुन लो, ईश्वर आत्मा का अपना स्वभाव है, कब
जब इसकी साधना कर ली जाए तब कैसी साधना में याद कर ली जाए नाना शुद्ध साध्य शुद्ध वीतरागता को आराधन किया जाए सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को व्यक्त किया जाए शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और आचरण को प्रकट किया जाए तो ये शुद्ध आत्मा का स्वभाव है भैया ये जो शुद्ध समय नाम है ना इसे आगम में विपाक सूत्र नाम से कहा गया है विपाक सूत्र अंग इसे आगम में विपाक सूत्र अंग के नाम से कहा गया इसके 1,84,00,000 पद हैं कितने एक करोड़ 84,00,000 पद है इसमें भगवान आत्मा और इतना नहीं इसमें क्या है भैया कथाओं द्वारा अच्छे बुरे का निर्णय किया प्रतिमान योग भरा हुआ है 20 अध्याय 20 उपदेशक और 1,218 श्लोक ये सब ग्रंथ आगा है इसलिए कह रहा है भैया इतना विपाक सूत्र अंग जो 1,84,00,000 पदों में है भैया इसमें जो अच्छे बुरे का निर्णय कराया गया है इसे आचार्य आनंद स्वामी यह एक गाथा में करा रहे हैं वो सार दे रहा है पूरे अंग का हम ये नहीं कह रहे कि इस पूरे विशाल आगम को यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे फिर उस पूरे विशाल आगम में जो सारे विंग निर्विकल्प आत्मा का अनुभव उसमें ठहरना उस लक्ष्य को प्राप्त करना उसकी रुचि लगाना उस अर्थांग ऊर्ध शुद्धम च ऊर्ध स्वभाव को प्रयोजन भूत मान के उससे जुड़ जाना जो उसका सार है उस सार को यहां आचार्य चिंतामण ने सार है सार उस सार को यहां आचार्य स्वामी कह रहे हैं कि इस विपाक सूत्र अंग का इन पूरे 11 अंगों का सार एकमात्र इस त्रिभुवन में अपने भिन्न भिन्न निर्विकल्प पद से संयुक्त होना ही है अपने पूर्व स्वभाव से जुड़ना ही है शुद्ध का सार शुद्ध तत्व की साधना ही है इसके अलावा जन्माणिक और कोई दूसरा सार अब बता पाते अपना क्या साधना चाहते हैं क्या साधना चाहते हैं क्या साधने की इच्छा है संसार पुत्र परिवार धन क्षयोत्सव व्रत क्रिया यदि साधना चाहता है भगवान तो देश निज शुद्धता ऊर्ध स्वभाव हमें नहीं कह रहा आचार्य भगवान की गाथा है प्रमाण है ऊर्ध आद मध्यम चा इस पूरे त्रिभुवन में विंग संयुक्ता विंग स्वभाव से संयुक्त होना ही एकमात्र पूरे आगम का सार भगवान एक आत्मा को जानता है रोज ये बात आती है लेकिन रोज अपन अपने आप कहते थे ना तो इतना बहुमान नहीं आता था अब जब यहाँ आचार्य भगवान प्रमाण करके कहते हैं भैया इन तीनों लोगों में इस पूरे आगम में एक आगम ये भीतरा ध्रुव शक्ति ही सार है बाकी सब असार चेतन निर्विकल्प आत्मानुभव सार है तो धन की रुचि पुत्र की रुचि मोह की रुचि पाप की रुचि कब तक इन पर पर्यायों को देखेगा कब तक इन रंग बिरंगी पर्यायों को देखेगा चेतन इन रंग बिरंगी पर्यायों को प्रकट करने वाला तेरा नीद्रा केवल ज्ञान में स्वभाव है उस स्वभाव को अस्ति एक बार स्वीकार कर ले बस उसको अंत से ग्रहण कर ले उसको अनंत चतुष्टय में स्वभाव की अनंत दृष्टि को प्रकट कर ले हे भव्य आत्मा ये अनंत स्वभाव की अनंत दृष्टि ही मुक्ति का मार्ग है और कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है देखो पूरे 11 अंगों का समुच्चय कथन करते हुए आचार्य करता हूं क्या कहते हैं कहते अंग पूर्व जानते भावम भावनम शुद्ध भाव इन अंग और पूर्व को जानने का
क्या कह रहे हैं, अंग और पूर्व को जो जानता है उसके अंदर क्या प्रकट होता है, भावना, भावना कहेगी शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मतत्व। बस अंग पूर्व जानाति, अभी तो 11 अंग का है, पूर्व आगे कह रहा है, चलो अंग पूर्व जानाति, एक अंग और पूर्व को जानने का सार क्या है, अंग पूर्व जानाति क्या है गुरुदेव सार, भावना, भावना कौन सी भावना, शुद्ध भावना कहा जाता है भगवान जी, भावना भाव विनाशी कहा जाता है कि अंतर करने से उत्पन्न हुई शुद्ध भावना एक जगत में फल ना दे, ये पूरा ब्रह्मांड सुन्न हो जाए। ऐसी शक्ति है भाव की, ऐसी शक्ति आत्मसन्मुख भावना की, ऐसी शक्ति विकराल स्वभाव की भावना की, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इन अंगों और पूर्वों को जानने का एक ही अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, तेरे भावना, भावना कैसी भावना, तेरे शुद्ध भावना, सब भावना नहीं, असब भावना नहीं, भावना, भावना इसका फल है, अंग पूर्वों को जानने का फल भावना है, कैसी भावना, तेरे शुद्ध भावना, अपनी शुद्ध भावना, वितराग तत्व की शुद्ध भावना, शुद्ध उपयोग की भावना, ये भावना इन अंगों और पूर्वों का सार है। गुरुदेव और क्या कहते हैं संत लोग, शुद्धात्मा चेतनम नाम, चेतना शुद्ध आत्म चेतनम नाम, शुद्धात्मा का नाम क्या है, अपना नाम पता पता कर लो कि आपका नाम क्या है, पता कर लो आपका नाम क्या है भगवान जी, गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया अंग पूर्व जानाति, अंग पूर्व को जानना क्या है, भावना, अंग पूर्व को जानने से क्या होगा, भावना प्रकट होगी, कैसी भावना प्रकट होगी, शुद्ध भावना, शुद्ध भावना का आधार क्या है, अरे भव्यात्मा शुद्धात्म चेतनम नामम, शुद्धात्मा का नाम तो चेतना है, ये अंग पूर्व इस चेतना का ही नाम है और इस शुद्धात्मा का ही नाम है, ये अंग पूर्व है, ये शुद्ध चेतन में जो विकार तत्व है इससे ही अंग और पूर्व है, शुद्धात्मा का नाम ही चेतना है, चेतना का नाम ही अंग और पूर्व है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ज्ञान मैं आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, शुद्ध आत्मा का क्या नाम है, चेतना, और चेतना क्या है, दर्शन ज्ञान में ये अंग और मूल, अपना भीतर स्वभाव स्वानुभूति निर्विकल्प आत्मा का अनुभव, कहाँ जाओगे भगवान जी, गुरुदेव के पास आओ, शुद्ध आत्मा चेतना नाम, और इतना नहीं, और सुनो शुद्धम सार्वभौम सदा बुद्धि, शुद्धम सार्वभौम सदा बुद्धि, गुरु महाराज ने स्पष्ट कह दिया ये चेतना का नाम शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा का नाम चेतना है, हे भव ऐसा जान के बुद्धिमान है ज्ञानी है आत्मा के है आत्मार्थी, शुद्धम सार्वभौम सदा बुद्धि, हे बुद्धिमान इस जगत में जितने बुद्धिमान जीव है इन अर्गों और पूर्वों को जान के शुद्ध तत्व की भावना बाते हैं, शुद्ध तत्व का भाव प्रकट करते हैं, ये शुद्ध तत्व चेतन लक्षण में शुद्धात्मा ही है, इसको अर्ग और पूर्वों में कहा गया है, और ऐसा जानने वाला बुद्धिमान ज्ञानी साधक सदा शुद्ध साधन शुद्धता की ही साधना करता है, इसके अलावा किसी को नहीं जानता, ना मुझे को साधता है, ना कपड़ों को साधता है, ना समाज को साधता है, ना मंदिर को साधता है, संतों की यह गुरुदेव तारक स्वामी का नवाड़ा हाथ का अनुभव, यह वितराग वाणी कि वो साधता है तो ध्रुव शुद्ध तत्व को साधता है, इसी को जन्मों ने कहा, इसी को आगम कहा, इसी को चेतना कहा, इसी को शुद्धात्मा कहा,
एक शुद्ध तत्व को ही साधता है। इतना ही नहीं, आगे और सुनो, शुद्धम च सर्व शुद्धम च, अरे यहां कुछ अशुद्ध है ही नहीं, किल शुद्धम च सर्व शुद्धम च, अरे ये आत्मा भी शुद्ध है, इसके अनंत गुण भी शुद्ध है और इसके जानने वाला भी शुद्ध है। शुद्धम च सर्व शुद्धम च, अंग भी शुद्ध है, पूर्व भी शुद्ध है, चेतना भी शुद्ध है, ये शुद्ध आत्मा भी शुद्ध है और इसको जो दर्शन ज्ञान जान रहा है वो भी शुद्ध है। शुद्धम च सर्व शुद्धम च, यहां तो शुद्ध के अलावा और कुछ भी नहीं है, सर्व कुछ ही शुद्ध है। इन अंग और पूर्वों में तो सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध है, इस आत्मा में तो सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध है। शुद्धम च सर्व शुद्धम च, इतना ही नहीं, सर्वज्ञम शाश्वत पद, जो ये स्वयं सर्वज्ञ और शाश्वत पद का धारी, ये आत्मा स्वयं है, सर्वत्र शुद्ध है, शुद्ध में भी शुद्ध है, चारों तरफ इसमें शुद्धता के अलावा कुछ नहीं है। कैसे पद का स्वामी है, सर्वज्ञम शाश्वत पद, अक्षय अनंत अपने सर्वज्ञ में शाश्वत पद का स्वामी है। इतने नहीं कह करोगे गुरु महाराज, अभी मेरे संतोष नहीं हुआ, क्या कहते हैं, शुद्धात्मा शुद्ध ध्यान, जो भव्य आत्मा इस शुद्ध आत्मा को शुद्ध ही ध्यानस्थ ध्याता है। सुंदर भगवान जी, जो कोई भव्य आत्मा इस प्रकार से अंगों में पूर्वों में जान के शुद्ध भावना को प्रकट करके शुद्ध तत्व की साधना करने वाला जो बुद्धिमान इस शुद्ध आत्मा को चेतन लक्षण में जानता है, शुद्ध आत्मा को सर्व शुद्ध में जान के, इस सर्वज्ञ शाश्वत पद में शुद्ध आत्मा को शुद्ध जान के, जो इसका शुद्धता से ध्यान धारण करता है, इसे शुद्धता से ध्याता है, शुद्ध आत्मा शुद्ध ध्यानस्थ, जो इस शुद्ध का ध्यान धारण करता है, इसको ध्याता है, इसकी आराधना करता है, उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं शुद्ध सम्यक दर्शन, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और जो इस आत्मा को शुद्ध नहीं जानता, इसे सर्वत्र शुद्ध स्वीकार नहीं करता, इसे सर्वज्ञ सर्वज्ञ शाश्वत पद से सुशोभित नहीं पहचानता, जो इस शुद्ध आत्मा को नहीं ध्याता, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता। शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाला ही इन अंगों और पूर्वों का ज्ञाता है। भगवान आत्मा तारण करण की वाणी में यहां कोई भी संधि नहीं है, कोई भी संधि नहीं है, हे कहिए डंके की चोट पे शुद्धम च सर्व शुद्धम च, शुद्धता के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। तू कहे भैया मंदिर आके चाट पाठ कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं तो हो गया कल्याण, ढंग की जुगाड़ नहीं चलेगी, ये मोक्ष का मार्ग है। जुगाड़ तुम्हारा का आदमी जुड़ ले जुगाड़, तू सोच ले कि 2-4 हजार रुपया 2-4 लाख रुपया देके हम मुक्ति को प्राप्त कर ले, नहीं चलेगी। 2-4 10 माला खसका के मोक्ष चले जाए, नहीं चलेगा। 2-4 ग्रंथ पलटा के निर्माण हो जाए, नहीं चलेगा। चले क्या चलेगा, फिर शुद्धम च सर्व शुद्धम, या शुद्ध की शुद्ध, शुद्धि शुद्ध, शुद्धि शुद्ध, यानी कैसा शुद्ध, चले भैया ऐसा शुद्ध कि शुद्ध सर्वज्ञम शाश्वत पदम, जो कि सर्व को मैं शाश्वत पद में स्थिर है, ऐसा शुद्ध पूर्ण शुद्ध। क्या करना है, शुद्धात्मा शुद्ध ध्यान, उस शुद्धात्मा का शुद्धता से ध्यान कर, उसमें कोई राग का विकार लगा ना, मोह का विकार लगा ना, स्वार्थ का विकार लगा, उससे कोई पर्याय की कामना रखे बिना उस शुद्धता को शुद्ध रूप ध्यान, विकल्प को काम ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई और कुछ है ही नहीं। स्पष्ट तो कर दिया 11 अंग 14 पूर्व में एक शुद्ध आत्मा की भावना चेतन में इतना तत्व शाश्वत तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। पूरे 11 अंगों में 7 कह तो दिया, एक एक अंग में सर्वांग में आत्म ज्योति को दर्शाया, ले यहाँ शुद्धता के अलावा आत्मा की विशुद्ध वितराग चेतन में शुद्ध वितराग शक्ति के अलावा पहले कुछ है ही नहीं। तो क्या करें, शुद्ध आत्मा शुद्ध
एक संकल्प ले कि अपने ध्यान में दिव्य का स्थान है और बोले शब्द तत् सद्भावना। भैया जब इसको ध्याता है शब्द सम्यक दर्शन, शब्द सम्यक दर्शन संयुक्त होता है और जो इस आत्मा को नहीं ध्याता वो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है। भैया ये है तारुकरण जिन की वाणी, ये तारुकरण जिन का उपदेश, ये तारुकरण जिन की गर्जना, अंतर्नाद भगवान जो शुद्धता को ध्याता है वो शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, वो ही शुद्ध सम्यक स्थिति होता है और जो शुद्ध आत्मा को बोध करता है वो ही इस लोक में मिथ्या स्थिति है। जिसकी साधना शुद्धता की है वही शुद्ध सम्यक स्थिति। इसलिए भव्य आत्मा एक भावना भाव, भावना शुद्ध भाव, इसके अलावा किसी को स्थान मत दो। जीवन में न क्रिया स्थान देने के लिए है, न कोई शुभ अशुभ भाव स्थान देने के लिए है, न कोई पर्याय परिणमन स्थान देने के लिए है। वर्तमान में कौन सी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति है, कोई भी स्थान देने के योग्य नहीं है। अपने आत्मा के लिए, अपने ध्यान में ध्याने के लिए, अपने ज्ञान में जोने के लिए, अपने अंतर में संजोने के लिए है तो एक शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा, उसके अलावा और कोई नहीं है। भव्य आत्मा इस शुद्ध आत्मा का ही ध्यान धारण कर, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। अब तो मान लो अब तो जिन तारंतरण देव की वाणी को स्वीकार कर, अब तो इस मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लो, अब तो जिन पद को स्वीकार कर लो। भव्य आत्मा इस शुद्ध आत्मा ही साधने योग परम तत्व है, इसके अलावा किसी दूसरे की आस्था नहीं। अंतर आत्मा से इसे साधोगे, अंतर आत्मा से इसे ध्याओगे, शुद्ध सम्यक दर्शन करता। कल से पूर्वों की चर्चा, अपूर्व चर्चा कर रहा हूँ। भैया देखो बाहर से तो खूंटा गढ़ है, अंतर से वो रुचि का खूंटा और गढ़ है। यदि अंतर से रुचि का खूंटा गढ़ है तो फिर भगवान कह रहे हैं कि शुद्धात्मा का नाम अगर कोई देखे हो अर्थात बिंद संयुक्ता, अब तो कहो कि जो रुचि है वो उस गुप्त में उस निराकार में डुबा दे, फिर जहाँ कुछ कहने समझे के लिए नहीं। अरे नहीं कोई से कहने समझे के लिए मतलब हम क्या बकवास कर रहे हैं ये भी ना सुनना पड़े, आपको क्या सुनना है वो भी ना सुनना पड़े, कुछ कहने सुनने के लिए ना बच जाए। जो सुनाए, जो यहाँ सुनाया जा रहा है वो अंतर अनुभव से उत्पन्न हो जाए। जब कभी बाहर आ जाए तो सुन ला लो और नहीं आए तो घटा घटी। जब कभी आ रहा है तो सुन ला है और नहीं तो आनंद आनंद आनंद। एक बात से निश्चय कर लो जीवन कि ऐसे शुद्ध भगवान का जहां बोध होगा बस वही सुनेंगे। इसके अलावा यदि थोड़े से बुद्धि की उलझन की बात आई तो जयराम जी का क्या, अपना बहुमान नहीं कटना चाहिए, अपना आनंद नहीं कटना चाहिए, अपने स्वभाव की स्वीकारता में कोई यदि कोई भी चीज आपको द्वंद उत्पन्न करती है तो भैया महा मत बैठो, क्योंकि कोई आपसे जरा से ही कह दे तुमने एक ने से स्वीकार कर लिया है तुम्हें दूसरा अनुभव पड़े ना पता कर करी कराई स्वीकारता एक क्षण में निकल निकल जाए। क्योंकि भैया ये आत्मा नया अतीत है, ये हम शुद्ध आत्मा की आत्म तत्व की गणना कर रहे हैं, हम नेव की बुद्धि की तर्क की चर्चा नहीं कर रहे। सुनने का आप होगी गुरु महाराज की सुनने, इसलिए कह रहा भगवान पहले कह रहे यदि कोई तुम्हें कहीं बुद्धि अटके तो उस रास्ते पर नमस्कार करके आया भगवान जी।
अपने पास सीधा सीधा रास्ता नहीं, सीधी सीधी बात कर रहे सीधे आत्म अनुभव में रत होना है, सीधे आत्म शक्ति को मुख रखना है। ये आप लोग तो बैठते ही हो, आप तो मरते ही हो यहाँ बैठते, परमानेंट सत्य को मरते हो, इस सत्य ही मरने में रहा है, इसके अलावा और कोई अपना दृष्टि का विषय ना है। जब देखो गुरुदेव की गाथा है, प्रमाण है, ये ज्ञान समझ से साथ जी में अपन ने पूरे 11 अंगों का वाचन कर लिया, 11 अंगों के वाचन में गुरुदेव की गाथा है, प्रमाण है। उन्होंने एक घड़ी भी आत्मा के अंग के अलावा और कोई चर्चा करी उन्होंने बता, एक चर्चा नहीं करी उन्होंने। आत्मंग 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 अर्थांग देखो तो, आत्मंग शब्दांग देखो तो, आत्मंग स्वतांग देखो तो, आत्मंग स्थानांग देखो तो, आत्मंग वैसांग देखो तो, आत्मंग विनय पदांग देखो तो, आत्मंग जहां देखो वहां आत्मा भैया। उन्होंने आत्मदत्त सत्तम सत्सत सत्तम शब्द के अलावा किसी को नहीं सुना, शुद्ध भावना के अलावा किसी को स्थान नहीं दिया, शुद्ध तत्व के अलावा कहीं दृष्टि नहीं दी। उन्होंने बुद्धिमान भी उसी को कहा कि जो इस शुद्धता को साधता है वो अपने शाश्वत पद को प्रकट करता है, वो अपने शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। शुद्ध सम्यक दृष्टि वो ही है जो शुद्धता को साधे, और जिसकी दृष्टि यहाँ वहां भटके वो शुद्ध सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर सकता। संक्षेप है, इसलिए भैया जब कभी ऐसा समागम बैठे, जब जैसा ऐसा सत्संग बैठे, एक लक्ष्य को लेकर बैठे, शुद्धता को ग्रहण करना है, शुद्धता को पीना है, शुद्धता को ग्रहण करना है, क्योंकि वो ये कल्याणकारी है। इसके अलावा तो भैया सारा सहयोग संग्रह छूट जाए, देखो बीमार हो तो छूट नहीं जाए, सब छूटता है। इसलिए भगवान सद्धम चा सर्व सत्तम चा बहुत विषय कहता है, दोनों सार वो कहता है ना गुरु महाराज की, अंग को जाना दे भावना श्रद्धा शुद्ध भावना। कोई भी तर्क करे तो गाथा सामने रख दो, ये है अंग और पूर्ण और ये है उनका सार। कौन सी नंबर की गाथा? गाथा नंबर 58, 57 और 58। क्या ज्ञान समझे सार जी, ज्ञान समझे सार जी, कोई भी तर्क करे तो उठा कर रख दो सामने की, ये लोग हैं अंग पूर्व जाना दी भावना शुद्धा शुद्धम चा सर्व शुद्धम चा सर्वज्ञ शाश्वतम शुद्धात्मा चैतन्य नाम शुद्ध सावधान सदा पदे। एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक बात गुरु महाराज कितने निशक्त होकर कहते हैं, ये तो देखो शुद्धात्मा शुद्ध ध्यान से शुद्ध सम्यक दर्शन कितनी निशक्तता है, निशंकित गुण कितना अंतर से निर्भयता से कहते हैं, इतनी निर्भयता से अपन भी कह रहे हैं कि सत्य है गुरुदेव आपके वचन सत्य और हमें स्वीकार है, आपका ज्ञान समुच्चय सार सम्यक ज्ञान प्रमाण ग्रंथ है, ये हमें अंगीकार है। यदि इतनी अंतर श्रद्धा से अपन स्वीकार कर ले तो अपन अपने श्रद्धा को कोई हिला सकता, इसलिए शुद्ध होना चाहिए बस, कोई दाल पसंद है कोई सब्जी पसंद है, लेकिन भैया दाल देखो दाल एक घनी हुई हो तो अभक्षी हो, सब्जी एक सड़ी हुई हो तो अभक्षी, तो अपन उनकी बात ही नहीं कर रहे, अपन अपनी बात कर रहे हैं, अपनी तो निष्ठा अखंड है। इसलिए यदि यहाँ आके भी मान लो मैं भी आपको यदि कहानी सुनाने लगूं कहना भैया भगवान जी अपने आत्मा कल्याण हो, ये जीव अपने आत्म अनुभव में उतरे, अपन कल इन गाथाओं के साथ तो सात संक्षेप की दो गाथाएं 57 और 58 नंबर की गाथाओं के साथ कल सुबह 14 पूर्व में प्रवेश करेंगे। पूर्व की चर्चा चालू होगी तब से,
पूर्व पूर्व परम जिन उक्तम परम पूर्व परम जिन परम के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है। परम 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 इसलिए आप समझ लो कि आनंद के नाम को चाहने वाला इसलिए इसे परमानंद के आत्म सरोवर में डूबने के लिए अपने से जिन्हें भगवान के वचनों का मंथन करते हुए गुरुओं की वाणी का प्रसार करते हुए सब मोक्ष का मार्ग बनाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु तारा।